आइए सुनते हैं अजीत कौर द्वारा रचित एक कहानी, नहीं हमें कोई तकलीफ नहीं, कथा श्रुति की, श्रुति की आवाज में। रात बहुत देर गए, मेरे अखबार के चीफ रिपोर्टर का फोन आया। अभी पीटीआई की खबर आई है कि फरीदाबाद में मजदूरों ने हड़ताल कर दी है। बहुत तनाव है, जिस फैक्ट्री से हड़ताल शुरू हुई है वहाँ एक मजदूर मर गया है। सुबह सीधे घर से ही चली जाना, दफ्तर आने की जरूरत नहीं, पूरी बात पता लगाकर शाम को स्टोरी फाइल कर देना। अगली सुबह फरीदाबाद। जिस फैक्ट्री से हड़ताल शुरू हुई थी उसके बाहर मजदूरों का तगड़ा जमघट था। हवा में गुस्से और नफरत की गंध थी। फैक्ट्री का गेट बंद था। बाहर दूर दरख्तों के नीचे और दरवाजे के पास और सड़क के आसपास मजदूरों के झुंड बैठे थे, खड़े थे, हर नए आने वाले व्यक्ति को देख रहे थे। कुछ एक बातें भी कर रहे थे, मशवरे कर रहे थे, पर सबके चेहरे पर से रात का अंधेरा झर रहा था राख की तरह। मैंने गेट के अंदर की ओर खड़े चौकीदार को अपना प्रेस कार्ड दिखाया। सीखचों के बीच से ही उसने प्रेस कार्ड देखा और गेट के साथ बने छोटे से कमरे में से टाइमकीपर को बुला लाया। उसने भी प्रेस कार्ड को देखा और गेट थोड़ा सा खोलकर मुझे अंदर घुसा लिया। अपने कमरे में ले जाकर वह टेलीफोन पर किसी को मेरे बारे में बताने लगा। मालिक ने शायद इजाज़त दे दी थी, सो वह मुझे लेकर अंदर फैक्ट्री की इमारत की ओर बढ़ने लगा, आगे आगे। मैं ज़रा तेज़ कदम चलकर उसके संग हुई। केले जैसी फैक्ट्री है तुम्हारी, नहीं? सोचा था बात में से बात निकलेगी। पूछ पड़ताल करते वक्त कई बार ऐसे लोगों से बड़े बड़े सुराग मिल जाते हैं, पर वह था कि माथे पर त्योरी चढ़ाए सिर्फ इतना ही बोला। हड़ताल के दिनों में बनाना ही पड़ता है किला, वरना ये मजदूर पता नहीं क्या कर दे। और उसने कदम और तेज कर लिए। मुझसे वह कोई वास्ता नहीं रखना चाहता था। अंदर फैक्ट्री का मालिक वातानुकूलित एक खुले कमरे में बैठा था, चमचमाती मेज के दूसरी ओर। चिकना चेहरा, फ्रेम की ऐनक के पीछे से झांकती शातिर एक्सरे जैसी आंखें, गोश्त के थैले जैसा जिस्म, मस्क जैसा। मेज पर चार टेलीफोन, कागज, कलमे, कलमदान, पेपर वेट, फाइलों के ढेर। चाय का ऑर्डर उसने मेरे नाना करने के बावजूद दे दिया और मुझे बताने लगा, कोई कैसे डिसिप्लिन रख सकता है? ये मजदूर तो चाहते हैं काम करे ना करे, इनके आगे ठाकुरों की तरह माथा टेकते रहें और बस पैसे देते जाएं। पर अब बताओ, अगर किसी को चोरी करते रंगे हाथ पकड़ लिया जाए तो भी चुप रहें? अगर कोई चोरी करता पकड़ा जाए तो उसको पलंग पर बैठाकर चोरी सहले? वह प्रीतम भी चोरी करते पकड़ा गया था, पकड़कर पुलिस को दे दिया, आगे पुलिस जाने और वह। अब पुलिस भी अगर चोरों से नहीं निपटेगी, उनसे चोरी कबूल नहीं करवाएगी, चोर को सजा नहीं देगी, तो इस मुल्क में कोई लॉ एंड ऑर्डर रह जाएगा? चोरी क्या की थी उसने, मैंने पूछा। इतने में चपरासी चाय लेकर अंदर आया, आबनूसी ट्रे में चांदी रंगा चमकता टी सेट। पीछे पीछे एक और आदमी दूसरी ट्रे उठाए लाया, छोटी प्लेटों में नमकीन, पिस्ते, काजू और बिस्किट। चाय का कप तो मैंने पकड़ लिया, क्योंकि चाय पीते हुए आप निश्चिंत हो सकते हैं कि दूसरा व्यक्ति अब किसी भी बहाने से कमरे में से खिसक नहीं सकता, ना ही आपको खिसका सकता है। बात को जितना खींचना हो उतना ही चाय को खींचते रहो। आधा घंटा अगर आप सामने वाले व्यक्ति से बात करना चाहो तो कप आधे घंटे में खाली करो। यह तरीका मैंने बड़े अनुभव से सीखा है, सो इसे ही इस्तेमाल करना चाहती थी, वरना तो सामने वाला व्यक्ति किसी भी प्रश्न से तिलमिलाकर इस मीटिंग को ख़त्म कर सकता था। चोरी क्या की थी उसने, मैंने फिर पूछा। मशीनरी के पुर्जे थे, कुछ रॉ मटेरियल था। कैसे पकड़ा आपने? बस जी, बड़े से थैले में भरकर उसने वो पंप के पास ले जाकर रख दिया ताकि छुट्टी के बाद चुपचाप ले जाएगा। पकड़ा गया? किसने पकड़ा? चौकीदार ने। फिर क्या, हमने पुलिस को रिपोर्ट की, उन्होंने उसको हिरासत में ले लिया। कितना समय रहा हिरासत में? यही कोई 10-1 दिन। 10 दिन? मजिस्ट्रेट को पेश नहीं किया? नहीं,
तफ्तीश कर रहे थे अभी। फिर मरा कैसे? हिरासत में ही। हिरासत में ही? बिल्कुल हिरासत में। पुलिस वाले यहाँ लेकर आए थे उसे तफ्तीश करने के लिए, बस पैर फिसल गया और कॉस्टिक टैंक में जाकर गिर गया। यह भी शुक्र है कि पुलिस की हिरासत में था वह उस वक्त, पुलिस खुद साथ थी, वरना तो मजदूरों का कहना था शायद हमने ही धक्का दे दिया हो उसे टैंक में। फिर यह हड़ताल क्यों की है मजदूरों ने? बस जी यही पूछो इनसे भाई, जब पुलिस खुद उसके साथ थी, पुलिस की हिफाजत में और हिरासत में था वह, तो उसकी मौत के लिए किसी को कैसे जिम्मेदार ठहराया जा सकता है? आपकी फैक्ट्री के साथ ही दूसरी फैक्ट्रियों के मजदूरों ने भी हड़ताल कर दी है। बस जी इनका क्या है, भूंडों के समूह की तरह उठ खड़े होते हैं सारे छोटी छोटी बात पर। ना इनका कोई नुकसान होना है, ना इनकी करोड़ों की मशीनें खाली पड़ी रहेंगी, ना इनके माल की सप्लाई रुकने से करोड़ों का नुकसान होगा। इनका क्या है, जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे लगाएं और लाल झंडियां झंडों पर टांग कर चल पड़े, बाद में हल्ला गुल्ला कराकर इस आवारा गर्दी की तनख्वाह भी ले ली। कोई कानून होना चाहिए इस अंधेर गर्दी को रोकने के लिए। तुम अखबारों वालों को लिखना चाहिए इस बारे में, सरकार को जागना चाहिए। अब क्या एक्शन ले रहे हैं आप? हमने क्या एक्शन लेना है जी, उसके परिवार को 5,000 रुपये दिया है, वैसे बनता नहीं था हमारा कुछ भी देना, क्योंकि नौकरी से तो उसने इस्तीफा दे रखा था, पर हम खुदा का खौफ रखने वाले बंदे हैं, सो उसके परिवार की इमदाद कर दी है इंसानियत के नाते। इस्तीफा? वह काम नहीं करता था अब आपके पास? फैक्ट्री मालिक ने कुर्सी पर थोड़ी करवट सी बदली। नहीं, काम तो करता था, पर उसने इस्तीफा दे रखा था, नौकरी छोड़कर पता नहीं क्या पापड़ बेलना चाहता था। आखिर के 4 ही दिन थे उसके नौकरी के, शायद इसी कारण उसने सोचा होगा कि जाते जाते ही हाथ मार लूं। तभी एक आदमी ने आकर फैक्ट्री मालिक के कान के पास कुछ खुसर फुसर सी की। मैंने कागज समेटे, कलम बंद किया और उठ खड़ी हुई। उसने रस्मी तौर पर कहा, आपने कुछ खाया ही नहीं, कुछ लो तो। मैंने कहा, नहीं जी आज नहीं, शायद फिर से आना पड़े आपके पास किसी समय। फिर सही। जाहिर है वह भी बला के टलने से काफ़ी मुतमईन था। कमरे के दरवाजे तक 2 कदम मेरे संग चला आया। बाय द वे, वह कॉस्टिक टैंक है कहाँ? उसके चेहरे पर एक परछाई सी गुजर गई। ऐसे लोग सारी परछाइयां साफ करने के लिए झाड़ू भी तैयार रखते हैं। उसने परछाई को तुरंत साफ किया, एकदम साफ। मुस्कुराहट फिर बदस्तूर अपनी जगह पर आ चिपकी। वह अंदर है, उसमें गिरने के लिए ऊपर जाना पड़ता होगा सीढ़ियों से। उसकी ऐना की घोड़ी के नीचे से त्योरियों का त्रिशूल ऊपर उठा। उसका वश चलता तो वह त्रिशूल मेरे पेट में घुसा देता, पर तुरंत ही त्रिशूल गायब हो गया। मुस्कुराहट वापस आ गई। क्या मतलब? वह टैंक में ही गिरा था ना? यस। कहाँ से गिरा? ऊपर से। ऊपर क्या करने ले गई थी पुलिस उसे? आपको बताया है ना, तफ्तीश कर रही थी पुलिस। औजारों वाला थैला तो आप कहते हैं पंप के पास मिला था चौकीदार को, फिर तफ्तीश करने के लिए ऊपर ले जाने की क्या जरूरत थी, ऐसी जगह जिसके एन नीचे तेजाब का टैंक भरा था? फैक्ट्री मालिक अब वाकई खींच गया, अपना गुस्सा और बौखलाहट छुपाने की कोशिश भी छोड़ दी उसने। ये तो आप पुलिस वालों से ही पूछो, वे ही बेहतर जानते हैं। और उसने घड़ी देखी, मेरी अपॉइंटमेंट है अब, एक्सक्यूज मी। और उसने चपरासी से कहा कि वह मुझे गेट तक छोड़ आए। रास्ते में मैंने चपरासी को कुरेदने की कोशिश की। लाश देखी थी तुम लोगों ने? कॉस्टिक के टैंक में से तो सड़े कोस का ढेर ही निकला होगा। वह दांत खुरचता रहा और साथ साथ चलता रहा। तुम लोगों का भाई बन था आखिर, आज उसके संग ऐसा हुआ है, कल तुम्हारे संग भी हो सकता है, नहीं? जब होगा देख लेंगे, और हो ही जाएगा फिर देखना क्या, फिर तो हमारी यतीम बच्चे देखेंगे या फिर बेवा औरत। पर इसका मतलब तो यह हुआ कि मौत से पहले सब कुछ चुपचाप देखे जाओ,
तुम्हारा साथी तुम्हारे सामने तेजाब के टैंक में जिंदा जला दिया जाए और तुम? हम गेट से 4 कदम ही दूर थे कि पीछे से काले रंग की शेवरलेट आई और तेजी से हमारे सामने से गुजर गई। कार को दूर से ही देखकर चौकीदार ने बड़ी फुर्ती से गेट खोल दिया। कार के श्यार रंग के शीशों के पास से मुझे कुछ भी नजर नहीं आया, पर जाहिर है कि उसमें फैक्ट्री का मालिक ही रहा होगा। गेट के बाहर बैठे मजदूर कार की ओर सूनी नजरों से देख रहे थे। कार धूल उड़ाती हुई दूर चली गई तो उन्होंने मेरी ओर देखा। उनके चेहरों से अब और अधिक कालिक झर रही थी। मैं उनके संग बात करने लगी तो एक जवान मजदूर आगे बढ़कर कहने लगा, क्या फायदा है इस जुल्म के बारे में लिखने का? क्या फायदा है अखबारों में छपी खबर का? क्या बनता बिगड़ता है अखबारी खबरों से? अगर कुछ बनता बिगड़ता है तो सिर्फ पैसे की ताकत से। हमारे पास भी पैसे की ताकत होती तो हम भी एक आध नेता खरीद लेते और वह अपने पार्लियामेंट में हल्ला मचाता। पुलिस को खरीद लेते तो वह कातिलों को फांसी दे देती। सिर्फ एक ही ताकत है, पैसे की। क्यों, सच बात अखबार में छपे तो हंगामा तो होता ही है, सबको पिस्सू पड़ जाते हैं। सच्चाई ढूंढनी पड़ती है उन्हें, पुलिस को, हुकूमत को, सबको। आजकल इस मुल्क में 2 तरह की सच्चाई चलती है जी, उसी तरह जिस तरह 2 तरह का पैसा चलता है, नंबर 1 का और नंबर 2 का। सच्चाई भी नंबर 1 की और नंबर 2 की ही चलती है। आप कौन सी सच्चाई की बात करते हैं जनाबे आली? एक और मजदूर आगे आया, शाहरंग, सख जबड़े, धरती के नीचे वाले बैल के भांति कंधे, चेहरे चकले हाथ, बोला, प्रीतम का कत्ल किया गया है। प्रीतम? प्रीतम नाम था उसका? हाँ जी प्रीतम, उसका कत्ल किया गया है जानबूझकर। किसने कत्ल किया? पुलिस ने। पुलिस? पुलिस क्या होती है, एक वर्दी, एक डंडा, एक बंदूक। पुलिस ने तो पहले ही 15 दिन मार मार कर उसकी खाल उधेड़ दी थी, एक अन्य मजदूर बोला। पर क्यों, वो तो कहते हैं कि चोरी करते पकड़ा गया था। चोरी तो तब करेगा ना जब अंदर काम करता होगा, काम तो वह कर ही नहीं रहा था, इस्तीफा दे चुका था। इस्तीफा? मैंने पूछा। हाँ, इस्तीफा उन्होंने मंजूर नहीं किया था। प्रीतम ने कहा, ठीक है महीने भर की तनख्वाह काट लो पर नौकरी मैं नहीं करूँगा। झगड़ा हुआ था कुछ? बिल्कुल नहीं, वह तो मालिक का बहुत राजदार आदमी था, हर समय साथ। तड़के मालिक की कोठी जाता था, मोटर में साथ ही फैक्ट्री आता था। मालिक के बहुत से काम बाहर करने जाता था, कार में जाता था, कार में ही लौटता था। शाम को घर भी मालिक के संग ही जाता था, मालिक के साथ ही कभी दिल्ली, कभी मुंबई और कभी कहीं और। फिर? हमारे संग तो वैसे भी उठता बैठता कम ही था, वक्त ही नहीं मिलता था उसे। पर कुछ दिन से उदास सा रहता था, कई बार रात का खाना खाकर हमारे में से किसी के घर आ जाता, कहता, कैसी कुत्ती नौकरी है, काजल की कोठरी है भाई, काजल की कोठरी। इसी कारण इस्तीफा दिया था उसने? यह तो मालूम नहीं, जिस दिन इस्तीफा दिया उस दिन दोपहर में लंच की छुट्टी के वक्त मेरे पास आ बैठा, बोला, मौज है तुम्हारी, लंच के समय ससुरी सारी दुनिया को भूलकर रोटी तो पेट भर खाते हो, दुख सुख की सारी बातें करते हो एक दूसरे से। बस मैं भी इस्तीफा दे आया, मेरी भी इसी तरह बेफिक्री के साथ पेट भरकर रोटी खाने को दिल करता है, अपने बच्चों के पास बैठकर। मैं हैरान हुआ, हम सब तो सोचते थे कि पट्ठा बड़ी ऐश करता है, मोटरों में घूमता है। मैंने कहा, नौकरी छोड़कर क्या करेगा? कहने लगा, बाजार में साइकिलों की दुकान खोलूँगा, पुराने साइकिल खरीदकर मुरम्मत करके बेचूँगा, फिर धीरे धीरे किसी साइकिल की एजेंसी भी शायद मिल ही जाए। बाजार में एक दुकान किराए पर ली थी उसने, जिस दिन पकड़ा गया था उस दिन वह अपनी दुकान को ठीक ठाक करा रहा था। एक और व्यक्ति बोला, क्या मतलब, वह फैक्ट्री में नहीं पकड़ा गया? वह तो मालिक ने अपना आदमी भेजकर उसे बुलाया था, पता नहीं क्या सोचकर वह चला गया उस आदमी के साथ। शायद सोचा होगा कि इस्तीफे के बारे में कोई बात करनी होगी मालिक को, वह फैक्ट्री गया
मैंने खुद देखा उसे मालिक के दफ्तर की ओर अंदर जाते। बस जब बात करके बाहर निकला तो चौकीदार पंप के पास से सामान भरा थैला उठा लाया और शोर मचा दिया। फैक्ट्री के अंदर गया ही नहीं वह? बिल्कुल नहीं, काम ही नहीं कर रहा था वह कई दिनों से फैक्ट्री में। वो आप खुद ही देख रहे हो सामने, और उसने अंदर वाली बिल्डिंग की ओर बाँह लंबी की। वह है मालिक का कमरा और वह है बाहर पंप। अगर पुलिस ने तफ्तीश करनी ही थी तो या तो उसे पंप के पास ले जाती या फिर मालिक के कमरे में, अंदर फैक्ट्री में, और वह भी तेजाब के टैंक के ऐन ऊपर ले जाने का क्या काम था? जाहिर है कि किसी ने साजिश की उसको कत्ल करने की। पूरा प्लान बनाया होगा मालिक ने पुलिस के साथ मिलकर, पता नहीं कितना पैसा खिलाया होगा। पर जब इतने दिन वह, क्या नाम था उसका, प्रीतम, जब वह हिरासत में था, तुमने क्यों नहीं कुछ किया? मुझे बेहद गुस्सा आ रहा था इस सारे किस्से पर। असल में वह नौकरी छोड़ चुका था, यूनियन का मेंबर भी नहीं था। सच बात पूछते हो तो वह कभी हमारे साथ ही नहीं रहता था, हमेशा मालिकों के पास ही रहता था। हम तो उसको गद्दार ही समझते थे हमेशा। जब कभी हमारी हड़ताल हुई उसने कभी हमारा साथ नहीं दिया। पर बंदा तो तुम्हारा ही था, तुम्हारे जैसा ही मजदूर, तुम्हारा फर्ज नहीं बनता कि? अब जब उसे मार ही दिया है तो हमें लगा कि हमारा ही आदमी था, हमारी ही बिरादरी का, जो हमेशा जुल्म का शिकार ही होती रहती है। तुम्हारी हड़ताल की मांग क्या है? क्या मेमोरेंडम दिया है तुमने हड़ताल से पहले? यही कि सारे मामले की पूरी जांच होनी चाहिए। जांच से भी वैसे तो इंसाफ नहीं मिलने वाला। अगर मालिक ने कत्ल किया है तो इस मुल्क की कौन सी कचहरी मालिक को फांसी की सजा दे देगी? और जिन पुलिस वालों ने मिलकर साजिश करके उसको मारा है, कौन सा कानून उन्हें फांसी पर चढ़ाएगा? एक नौजवान बहुत गुस्से में बोला। उसके सवाल का मेरे पास कोई जवाब नहीं था। वैसे शायद जवाब मुझे पता भी था, और उन लोगों को भी। पर कारण क्या है उसके कत्ल का? मालिकों को क्या कोई दुश्मनी थी उसके साथ? मालिकों के कुछ खास भेद होंगे उसके पास, हर वक्त उनके साथ जो रहता था। इसी कारण उसका इस्तीफा मंजूर नहीं कर रहे थे, इसी कारण उसे वापस बुला रहे थे। यह बात नहीं थी कि उन्हें प्रीतम से मोहब्बत थी, फिर वापस क्यों बुला रहे थे? मुझे उसके घर ले जा सकते हो? मैंने एक मजदूर से पूछा। एक छोटी सी गली के पिछवाड़े में उसके घर के बाहर एक चारपाई बिछी हुई थी, जिस पर एक जवान औरत बैठी एक बच्चे को कंघी कर रही थी। औरत की आंखों के पपोटे लाल सुर्ख थे, अंगारों जैसे, और सूजे हुए। हमें देखकर उसने अपनी ओढ़नी को खींचकर कस लिया और कपड़ा माथे तक खींच लिया। कंघी करती रही, पर उसका कंघी वाला हाथ कांप रहा था। ये बीवी जी तुमसे मिलने आई हैं? मैं उसके समीप ही चारपाई पर बैठ गई। उसके चेहरे की ओर देखकर कलेजा मुंह को आता था। वह मेरी ओर देख नहीं रही थी। मैंने पता नहीं प्रीतम के बारे में क्या कहा, शायद रश्मि से अफसोस के दो शब्द ही बोले होंगे, याद नहीं। उसकी झुकी हुई आंखों के सुर्ख पपोटों के नीचे, पलकों के नीचे से पानी के कतरे झरने लगे। वह बच्चे को कंघी करती रही। तभी एक जवान लड़का अपनी पगड़ी लपेटता हुआ बाहर आया। मेरे संग गए मजदूर ने उसे मेरे बारे में बताया। उसकी आंखें जलने लगीं। यह प्रीतम का छोटा भाई है, सत्ती। सत्ती मेरी ओर घूरता हुआ पगड़ी लपेटता रहा, और फिर वह बोलने लगा, कत्ल है ये, दिन दहाड़े कत्ल, और कोई सुनता ही नहीं। अखबार वाले आते हैं, मालिक लोग उन्हें भी पट्टे डाल देते हैं। मेरे संग गए मजदूर ने उसे आंखों से ही चुप रहने को कहा। ओए, मैं नहीं डरता किसी से, डरने वाले को मार दिया उन कसाईयों ने, और पुलिस, पुलिस तो है ही जर खरीद गोली उनकी, गरीब आदमी की कौन सुनता है। पर मैं अपनी बात सुना कर रहूंगा, कोठे पर चढ़कर सुनाऊंगा सारी दुनिया को, वह ऊंची आवाज में बोला। मैंने जैसे उसे शांत करने की कोशिश की। कोई बात नहीं काका। बात कैसे नहीं जी, वे तो समझते हैं बंदा मार दिया और बात खत्म हो गई। उनके सारे भेद भी तेजाब के टैंक में जलकर फना हो गए, सारे पाप। पर मैं खत्म नहीं होने दूंगा बात। यही तो मैं कह रही हूं कि तुम अपनी बात किसी को ठीक से सुनाओ तो सही,
सिर्फ गुस्सा करने से तो बात नहीं बनती। इस मुल्क में आखिर कोई कायदा कानून है, सरकार है, डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी की ऐसी की तैसी, साथ वाले मजदूर ने झड़क कर उसे चुप कराया। अकल करो सत्ती, आदमी देख कर बोला कर, मूर्ख ना बन। अकल अकल तो घुस गई, मुझे तो कहर चढ़ा हुआ है। मेरा तो मन करता है जिस तरह उन कसाईयों ने मेरे भाई का खून किया है, मैं सारों को पकड़ कर आरे से चीर दूं। और फिर वह बताने लगा एक आदिम काल की पत्थर युग की कहानी, वहशी और खौलते हुए क्रोध में। उसकी आंखों में अंगारे दहक रहे थे, साथ में कुछ पिघल भी रहा था लावे की तरह। भाई के पास बड़े रास्ते मालिकों के, हर वक्त पता नहीं क्या क्या करवाते रहते थे उससे, और पता नहीं किस तरह का उसके सिर पर वफादारी का भूत सवार था कि कभी भी घर में कोई भेद नहीं साझा किया। कई बार शाम को चपरासी आकर संदेशा दे जाता कि वह मालिकों के संग कहीं गया है, देर से लौटेगा। देर से क्या, कई बार तो मुर्गे की बांग होने पर ही वह घर लौटता अगले दिन तड़के। पर अब वह धीरे धीरे इन कामों से खींच रहा था। सारा गुस्सा आकर वह घर पर उतारता या फिर गुमसुम होकर चारपाई पर लेटे लेटे छत को घूरता रहता। मैं जब भी कहीं अपनी नौकरी की बात करता वह मुझे झड़क देता, नहीं सत्ती हम अपना कोई काम करेंगे, नौकरी का भी ससुरा कोई जीना है, चाकरी तो होती ही बुरी है, बंदा अपनी आत्मा को मार देता है तभी होती है चाकरी, वह कहा करता था। और फिर उसने इस्तीफा दे दिया। क्या गुनाह किया, साइकिल की दुकान खोल रहा था, घर में भी सबसे हंसकर बातें कर रहा था, उसकी छाती पर से मानो कोई पहाड़ उतर गया था। पर मालिक ने उसे चैन नहीं लेने दिया, रोज दिन में संदेशे आते। आखिर एक दिन वह मालिकों के भेजे आदमी के संग फैक्ट्री चला ही गया मिलने के लिए। बताओ, जो आदमी मालिक के दफ्तर के अंदर बैठकर बात करेगा, उसके पास फैक्ट्री के औजार और पुर्जे कहाँ से आएंगे, थैला कहाँ से भर लेगा वह। पंप के पास वह गया ही नहीं, ना ही अंदर फैक्ट्री के किसी भी फ्लोर में उसने पैर रखा, सब फरेब, झूठ, कुफर। और फिर पुलिस ने जिस तरह 14-15 दिन उसकी खाल उतारी है, उल्टा लटका कर जिस तरह उसके पैरों के तलवों को पीटा है, मैं तो उनकी। और अब वह दहाड़े मार मार कर रो रहा था। फिर उसे कत्ल करने के लिए वो फैक्ट्री में उसे ले गए, कसाई राक्षस। और फिर लाश पोस्टमार्टम के लिए पहुंचा दी। राक्षसों, मांस के झुलसे लोथड़े का क्या पोस्टमार्टम करोगे तुम। वह बच्चों की तरह रो रहा था। चारपाई पर बैठी औरत जो जाहिर है प्रीतम की बेवा थी, पल्लू आंखों पर रखकर सिसक सिसक कर रो रही थी। बच्चा चारपाई के पास खड़ा था, हैरान झुलसा हुआ। काट पीट कर बोरी की तरह सिलकर हमारा भाई हमारे हवाले कर दिया, ले जाओ और ले जाकर जला दो इस कूड़े को। उस औरत की हिचकियों में लंबी सी चीख भी शामिल हो गई। तभी अंदर से एक बुजुर्ग बाहर निकला लाठी टेकते हुए, सिर पर मैली होती हुई पगड़ी, सफ़ेद मटमैली सी दाढ़ी, चेहरे पर बदहवासी। बाहर आकर उसने आंखों के ऊपर अपनी हथेली की छतरी सी बनाई और मेरी ओर देखा गौर से, कहने लगा, नहीं बीबी हमें कोई तकलीफ नहीं, उस कंबक की मौत आई थी, मर गया, पिछले जन्म का वैरी था, पेट पर लात मार गया। और उसकी आवाज़ भर्राते हुए फट सी गई, किसी का कोई कसूर नहीं बीबी, यह सत्ती तो पागल है, यूं ही बोले जाता है। और फिर उसकी दाढ़ी के सफ़ेद बाल कांपने लगे, आवाज़ गले को खुरच कर बाहर निकली फटी हुई, एक तो गया अब इसे भी गवा बैठे। आशा है आपको आज की कहानी पसंद आई होगी। ऐसी ही मनोरंजक कहानियों को सुनने के लिए वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं एक और कहानी के साथ। धन्यवाद।